Mr. MD. नहीं गुस्से में क्यों है आप? लगता है ये म्यूजिक श्यूजिक बंद करना पड़ेगा, ये तो बड़ा बैंड बजने वाला है। नहीं मामा जी, अभी सेलिब्रेट करना है ना। आयशा यू आर द बॉस, अगर तुम म्यूजिक चाहती हो, पार्टी करना चाहती हो तो व्हाई नॉट, प्लीज बाय ऑल मींस। मामा जी म्यूजिक बजाइए, व्हाट्स द डिले? ओ भाई बजा दे। आ क्या गाना चुना है मामा जी, आयशा को बहुत सूट करता है ये गाना। म्यूजिक ऑफ। ये तुमने नया तरीका ढूंढा है मुझे टॉर्चर करने का? हाँ अरे कैसी बातें कर रही हो यार, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। व्हाट डू यू मीन? आई मीन यू आर द बॉस, मैं तो बस तुम्हारा एक छोटा सा मामूली सा एम्प्लॉई हूं, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूं। मैं तो सिर्फ इसलिए खुश हो रहा हूं क्योंकि देखो बस एक ही महीना मैं हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन उस एक महीने में इतनी अच्छी शानदार पार्टियां अटेंड करने को मिल रही है ना, तो खुशी तो होगी ना। उसके बाद पता नहीं कब मुलाकात होगी तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के साथ, है ना। हाँ एक चीज जरूर है, कोई भी पार्टी खाने के बगैर थोड़ी सी अधूरी रहती है, वुडंट यू एग्री? देखिए ना सब लोग कितने भूखे दिख रहे, चलो कुछ अच्छा सा खाना ऑर्डर करते हैं, है ना। दादी क्या खाएंगे आप? बेटा पर यहाँ तो, अरे यहाँ से थोड़ी, आयशा ने बहुत मेहनत की है इतनी अच्छी पार्टी देकर, अब आयशा से खाने की उम्मीद थोड़ी रखेंगे, बाहर से ऑर्डर करेंगे। लेकिन बेटा इस वक्त टाइम तो देख क्या हुआ है, कौन सा रेस्टोरेंट खुला होगा? अरे फाइव स्टार होटल्स तो खुले रहेंगे, है ना। होल्ड ऑन वन सेकंड, दिस इज राम कपूर हियर, आई'd लाइक टू ऑर्डर सम इंडियन फूड, एक्चुअली अ लॉट ऑफ इंडियन फूड। या टेक माय ऑर्डर, आई वांट 12 आलू पराठास, 15 बटर नान, 4 पोर्शंस ऑफ कढ़ाई चिकन, 3 पालक पनीर। या ये सब खाना ये लोग खाएंगे? नहीं नहीं ये लोग नहीं, ये तो मैं खुद खाने वाला हूँ। फैमिली का ऑर्डर तो अभी देना बाकी है। इतना सारा खाना तुम अकेले खाओगे? अरे क्या करो यार, अभी पंजाबी हूँ, खाने की आदत तो पुरानी है। और तुम्हारे कंपनी का एमडी हो तो तुमको तो खिलाना पड़ेगा ना, डील के मुताबिक तो खिलाओ। अरे एक मिनट शंकर, इधर इधर इधर। हाँ तुम भी भूखे होंगे, क्या खाओगे? शंकर फाइव स्टार का खाना खाएगा? नहीं खाएगा? हाँ क्या क्या मंगाऊँ? मटन, मटन खाओगे? हाँ एक मिनट मटन मंगाता हूँ। 4 मटन दो प्याज़ आल्सो। एक्चुअली डू वन थिंग, एवरीथिंग दैट इज देयर इन योर मेन्यू ना, गेट मी 2 ऑफ ईच। देयर यू गो, ये हुई ना बात। जैसे कि आपको पता है खिलाना तो पड़ेगा ना, बट आई एम श्योर यू ओके। चलिए पार्टी शुरू करिए। वेरी वेयर इज द म्यूजिक मामा जी, कम ऑन। शंकर मटन खाएगा? शंकर का मटन छोड़, तू अपनी तिजोरी का बटन संभाल, राम ने तिजोरी खाली कर देनी है। क्या? हाँ उसने पूरी बारात का खाना ऑर्डर किया है, तो जब तक वो कंपनी का एमडी है सारे खर्चे कंपनी भरेगी। गोलू पुत्र ऐसे कैसे चलेगा, रोज रोज बाहर से कैसे खाना मंगवाएंगे आप? दादी आप हमेशा कहती है ना, जहां जहां भगवान जी नहीं पहुंच सकते वो अपने फरिश्ते भेजते हैं। हमारे लिए भी भगवान जी ने एक फरिश्ता भेजा है, अभी तक मैं ये नहीं जानता कि वो फरिश्ता कहां है, बट आई प्रॉमिस यू बहुत जल्दी वो फरिश्ते को मैं ढूंढने वाला हूं, उसके बाद सब कुछ ठीक होने वाला है।
हाय प्रिंसेस, ये लो आपके कलर पेंसिल्स, मामा ले आई। थैंक यू मामा। अब आप जल्दी से एक अच्छी सी ड्राइंग बना देना, ओके? ओके मामा। पीहू, और पीहू की मामा क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हैं नानी। जरा देखो तो, वाओ, बहुत अच्छी ड्राइंग है। थैंक यू नानी। प्रिया, बेटा तू जिस क्लास में गई थी वो बच्चा पालना सिखाने वाली क्लास, कैसी थी वो? अब क्लास कैसी होगी माँ? ठीक ही थी, वो तो मिस्टर कपूर ने जिद की तो मैं चली गई, वरना मैं तो जाने वाली भी नहीं थी। अच्छा, तूने वहाँ सीखा क्या? जरा मैं भी तो सुनूं। हाँ, कुछ नहीं माँ, वो बस मिस्टर कपूर को एक डॉल को रैप करना सिखाया, बस बाकी कुछ खास नहीं। क्या सिखाएंगे वो? हाँ भाई, होना भी क्या है, हमने भी तीन तीन बच्चे पाले हैं। बच्चा पालना सिखाने वाली क्लास। मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे तू बैठ ना, बैठ। हाँ अच्छा, तूने तो वहाँ जाके बड़ा इम्प्रेस कर दिया होगा। इम्प्रेस करने में तो तू एक्सपर्ट है ही। पीहू की एक्सपर्ट मम्मा। हाँ और क्या, और क्या? क्या हुआ? मुझे क्या होना है? हाँ, मैं तो ये कह रही थी कि वो तेरी क्लास से फोन आया था याद दिलाने के लिए कि वो फॉर्म के लिए कुछ फोटोज चाहिए, तो ले जाना, ठीक है? हाँ, फोटो हाँ मुझे याद है, मैं ले जाऊँ, मैं चाय बनाने के लिए। अच्छा सुन, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने क्लास से दो बच्चों को बाहर निकाल दिया। अच्छा शायद हमारे आने के बाद निकाला होगा, पता नहीं। और वो थे प्रिया और राम कपूर। मम्मा पापा, ओके तो हो गई गलती, टीचर ने डांट दिया और निकाल दिया, तो व्हाट, कभी कभी मम्मा पापा से भी गलती हो जाती है ना। अच्छा पीहू, वो जब आप नॉटी होती है ना तो आपको मम्मी क्या कहती है? जाओ प्योर प्रिंसेस, बहुत गंदी बात, जाओ कॉर्नर में और अपना कान पकड़ो। तो प्रिया प्रिंसेस, अभी आप अपना कान पकड़ो। ये लो, पकड़ लिए। ओके, अभी कान पकड़ के खड़े हो जाओ। अरे लेकिन पापा होते तो कभी खड़ा नहीं होने देते, बैठ के कान नहीं पकड़ सकती मम्मा। नहीं मम्मा, यू हैव टू स्टैंड, चलो गेट अप। ये लो, हो गई खड़ी, हैप्पी? हाँ, और अब बोलो कि मैं आगे से कभी भी कोई गलती नहीं करूंगी, बोलो। कभी नहीं करूंगी, सॉरी। गुड। अब तुम लोग ज्यादा देर तक मुझे खड़ा रखोगे और हंसोगे ना तो मैं पापा से शिकायत कर दूंगी, बोलो मंजूर है? नहीं मम्मा, अब आपकी पनिशमेंट फिनिश, अब आप बैठ सकती हो। अरे क्या हुआ, तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई यार? हाँ तुम्हें फोन किया था ना, राम ने बुलाया, कुछ जरूरी काम है। व्हाट इज दिस? काम है, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ, ठीक हो? क्या हुआ, क्या है? नो यार, अरे अरे क्या हुआ नेहा? अरे डॉक्टर को फोन किया क्या? अच्छा मैं राम को फोन करता हूँ, नहीं आ रहे हम, पहले डॉक्टर को फोन करता हूँ यार। प्रिया नीचे आओ। क्या है, कमाल करते हैं आप, कभी कभी तो आप मुझे एक जगह पे खड़े भी नहीं रहने देते, और अब देखिए बिल्डिंग के कंपाउंड में इतनी रात को मुझे नीचे क्यों बुलाया है? और ये सब क्या है, ये सब कौन खाने वाला है? तुम आज तुमको जो खाना है तुम खाओगी, क्योंकि आज मैं बहुत 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 खुश। यू मीन मैं ये सब बाहर का खाना खा सकती हूँ? हाँ क्यों, तुम ही तो जिद करती हो कि बाहर का खाना खाना है तुम्हें। हाँ मैं जिद तो करती हूँ, लेकिन आप मुझे खाने कब देते हैं? आई डोंट बिलीव दिस।
ये रस्ते वाला ठेले वाला खाना खाने के लिए कह रहे हैं आप मुझे? Come on, tell me, what's the catch? ये सब कुछ मिनरल वाटर में बना हुआ है और सारे लोगों ने ग्लव्स पहने हुए हैं और ये सारी प्लेट्स भी मिनरल वाटर में धुलवाई है, राइट? यस। कमाल करते हैं आप मिस्टर कपूर, इतना सब कुछ करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। गेस व्हाट, मैंने खाना खा लिया और अब मुझे इतनी सी भी भूख नहीं है। अरे थोड़ा सा भी नहीं खाओगी? अरे बिल्कुल जगह नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ा सा। ओके अरे वेरी गुड, चलो भाई बनाओ, मैडम को जो भी चाहिए वो ले लेंगे। भैया तीखा थोड़ा ज्यादा। हाँ अब आप बताएंगे इतने खुश क्यों हैं आप? अरे तुम सुनोगी तो उछलोगी। अरे बाप रे, तो फिर आप आराम आराम से बताइए क्योंकि मैं उछलना अफोर्ड नहीं कर सकती, रिमेम्बर? आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? मेरे और आयशा की शादी हो चुकी है। जोगेश्वरी के आगे एक सुनसान रास्ता जाता है, वहीं कोने में एक मंदिर। एनी विटनेसेस, कोई था तुम्हारे साथ? मंदिर का पंडित था। Really? अगर ऐसा है मिस्टर कपूर तो ये सच में बहुत अच्छी खबर है। I'm so happy. ये बस ये खुशी जो इस वक्त तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रही है ना, ये वापस चाहिए। और सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे नहीं, पूरे परिवार के चेहरे पे। My entire family deserves this. और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, I'm sure. I really hope so. बस अब कल सुबह सबसे पहले मंदिर जाते हैं, वही मंदिर, और उस पंडित को ढूंढते हैं। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि एक कमी है। कमी? क्या क्या कमी? देखिए मिस्टर कपूर, आपने तकरीबन सब कुछ वापस हासिल कर लिया, आपका बिजनेस, पोजीशन, कपूर मेंशन भी वापस मिलने वाला है, बस एक चीज की कमी है, आपके वो काले वाले बिजनेस सूट जिन्हें पहन के आप ट्रूली दी राम कपूर लगते हो। अगर वो वापस से आपके जिंदगी में आ जाए ना, तो आई एम श्योर फिर से सब कुछ वापस आ जाएगा। व्हाट से? बस इतनी सी बात। ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने कह दिया तो बस हो गया, कल सुबह से सूट पहन लूंगा। अरे एक मिनट, हाँ विक्रम। हाँ राम, देख मैं और नेहा नहीं आ पाएंगे, नेहा की तबीयत बहुत खराब हो गई है यार। ए, तू फिर से मजाक तो नहीं कर रहा है ना? अरे झूठ क्यों बोलूंगा, उसकी तबीयत सीरियसली ठीक नहीं है यार। उल्टियों पे उल्टियां की जा रही है जब से मैं घर आया हूँ। अभी डॉक्टर को भी फोन किया मैंने। ओके ओके, हम लोग आ रहे हैं, फोन पर रिपेयर काम है। अच्छा ठीक है, ओके। क्या हुआ? इधर लेटो। अरे मैं ठीक हूँ यार। अरे लेटो यार, अक्षर डॉक्टर के पास ही आना। उफ कुछ नहीं हुआ है। ये लो नींबू पानी। नेहा फिर आएगा, पियो। अरे आप बैठो यार। नेहा कैसा लग रहा है तुम्हें? हाउ यू फीलिंग? हॉरिबल, उल्टियां ही आई जा रही हैं। ओह फॉर यू, क्या हुआ? क्या नींबू पानी दे दो। डॉक्टर के पास चलो ना यार, इफ यू नॉट फीलिंग वेल। नेहा को उल्टियां आ रही है, खट्टा नींबू पानी पी रही है, मतलब ये सब क्या हो रहा है? इनसे क्या कुछ सीरियस है क्या? अब वो तो तुझ पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है मतलब? यार तू सीधे सीधे क्यों नहीं बता रहा, क्या बात है? तुझ पर मतलब डिपेंड्स कि तू आई मीन इस उम्र में तैयार है कि नहीं। राम तू प्लीज साफ साफ बात कर रहा है, क्या बात क्या है? अबे यार तू भी ढक्कन है यार, सोच जरा, तेरी बीवी को उल्टियां आ रही है, खट्टा पी रही है, मतलब ये तू भी समझाओ इसे यार। उल्टियां खट्टा? नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता यार, कम ऑन व्हाट नॉनसेंस यार, ऐसे थोड़ी है कुछ। नहीं प्लीज बताओ यार, ऐसा कुछ नहीं है। बेबी तुम बहुत रोमांटिक जो हो,
अरे व्हाट रोमांटिक यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है क्या? दिस इज ऑल नॉनसेंस, ऐसा नहीं है कुछ। क्या क्या हो गया? अरे कल तो तू बड़ा लेक्चर दे रहा था मुझे कि अपने बच्चों की प्लानिंग कर ली है तूने, फिर व्हाट्स द बिग डील? एक और बच्चे की भी कर ले। नहीं यार, अजीब ढक्कन है यार। नहीं, क्या सीरियसली कुछ ऐसा है क्या? नहीं बाबा, डोंट बी सिली। तुम तैयार हो सकते हो चार बच्चों के बाप बनने के लिए, लेकिन मैं नहीं। इट्स टू लेट। क्या यार, हम तू भी ना। अरे बेसिकली प्रिया और मैं ना सड़क के छोले भटूरे खा रहे थे, तो इसीलिए कुछ गड़बड़ हो गई। एक मिनट प्रिया, तुमने बाहर का खाना खाया? व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार, इन्फेक्शन हो गया तो? अरे मैंने कुछ नहीं खाया बाहर, मैंने तो सिर्फ अदरक वाली चाय पी। मुझे पता है क्या होता है आजकल, जब भी मेरे सामने खाना आता है और मैं कुछ खाने लगती हूँ ना, मुझे आपका चेहरा दिखाई देने लगता है, ब्राउन वाला। नो प्रिया, ये मत खाओ वो मत खाओ, और मेरे पेट में कुछ जाता ही नहीं है। वेरी फनी। हाय बेचारी फैटी, दैट्स रियली मीन। एक्चुअली इतने मीन भी नहीं है नेहा, कभी कभी बहुत स्वीट चीजें भी कर देते हैं। पता है आज मेरे लिए एक स्पेशल सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया मिस्टर कपूर ने। अभी यहाँ आने से पहले घर के नीचे एक स्पेशल ठेला आया था भाई मेरे लिए, जिसमें सारी मेरी फेवरेट चीज़ें थी, पानी पूरी, चाट और कुल्फी और पता नहीं क्या क्या। एंड कैन यू इमेजिन, मिनरल वाटर में सब कुछ बन रहा था, और वो प्रॉपर ग्लव्स पहने एक बंदा था जो मुझे सर्व करने वाला था। लेकिन हम लोग कुछ खाते इससे पहले विक्रम का फोन आ गया और सॉरी प्रिया, तुम्हें ऐसे में बुलाना पड़ा, आई एम रियली सॉरी। पैनिक कर गए तुम, सॉरी। अरे नहीं गाइस, तुम लोगों को सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या है ना, खाना मेरे हाथ से मुंह तक जाए उसके बीच में मुझे आदत है रुकने की। मिस्टर कपूर जो है वो मुझे कुछ खाने ही नहीं देते, सो इट्स ओके। ओके ओके ठीक है, तो मैं हूँ यार थोड़ा सा पैरानॉइड, व्हाट्स द बिग डील? वैसे यू नो गाइस, पानी पूरी की बात सुन के ना मुंह में पानी आ रहा है, जाके खाएं? व्हाट रियली? ओह माय गॉड, यही है मंदिर? हाँ मंदिर यही है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती। ओके नहीं तो फिर एक काम करते ना, तुम गाड़ी के अंदर बैठो, मैं पंडित जी से बात करके आता हूँ। मैं भी चलती हूँ ना साथ में। अरे यार तुम्हारे लिए चलना अच्छा नहीं है यार। क्यों, चलना आता है मुझे मिस्टर कपूर, बचपन से चलती आई हूँ। देखिए चल सकती हूँ। यार गिर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों गिरूंगी, प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ कि चक्कर खा के गिर जाऊँ। अच्छा अच्छा सुनो सुनो, तुम यहाँ वेट करो, मैं पंडित जी को यहाँ लाता हूँ ताकि दोनों बात कर सके। सिर्फ बात थोड़ी करनी है मिस्टर कपूर, अगर पंडित जी ने बोला कि कुछ रिकॉर्ड चेक करने हैं, हमें कुछ उनके साथ कहीं जाना पड़े, तो आई शुड बी देयर ना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मैं चलती हूँ ना। तुम कभी सुनती नहीं हो यार। अरे यार, अच्छा एक मिनट एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? हाँ क्या? हाँ अब सुनो, क्या क्या ऐसे क्या देख रहे हो? हम यहाँ पिकनिक पे नहीं आए। That's okay. अब सुनो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे चलना पड़ेगा, मेरा हाथ पकड़ के धीरे धीरे। आप दूर चलिए मुझसे, मैं अलग चल। नहीं, फिर हम लोग वापस जा रहे हैं। अरे ये क्या सीन है? मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे चलना पड़ेगा। ओके हाथ दो, धीरे धीरे धीरे। इससे ज्यादा धीरे कैसे? तुम्हारे लिए। अरे जी बदतमीज हो यार, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है यार। ठीक है जाओ, इधर आइए। क्या इधर आइए? ये जो आप बार बार सबको बताते हैं ना कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, कितना टाइम वेस्ट होता है। आप एक काम कीजिए, पूरे शहर में ना होर्डिंग्स लगवा दीजिए और रेडियो और टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट करवा दीजिए कि बीवी प्रेग्नेंट है। हां तुम तो बस मजाक ही करती रहो। गॉड, एक बात सुनिए। क्या है? जब मेरी डिलीवरी होगी ना, आप वहां नहीं रहेंगे। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ओवर रिएक्ट नहीं कर, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ऐसे पैदा हो जब आप छोटी छोटी बातों का इश्यू बना रहे हो। आप तो डॉक्टर को नॉर्मली काम भी नहीं करने देंगे। आप उस कमरे में नहीं रहेंगे वरना मैं डिलीवरी करूंगी। अरे व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार, मैं पूरा टाइम अंदर रहूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। नो वे,
अगर ऐसा करना है ना तो मैं बोलूंगी डॉक्टर को बाहर जाइए, आप अकेले डिलीवरी करो। अरे ये क्या मजाक है यार तुम? अब हम चलें जिस काम के लिए आए हैं। हाँ धीरे धीरे हाथ दो, हाथ दो धीरे। आदित्य मेरा हेयर तुम्हारे बेंच के नीचे गिर गया, प्लीज दे दोगे? क्या हो गया, तुमको टीचर ने डांटा क्या? ये देखो। हाँ ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने लाई मेरी छोटी बहन ने किया, मेरी सारी बुक गंदी कर दी और टीचर ने भी मुझे डांटा। आदित्य तो तुम अब हमको क्यों नहीं बोलते? मेरे मम्मी पापा मेरी छोटी बहन की साड़ी लेते हैं। क्यों, कहते हैं तुम भाई वो तो छोटी बच्ची है, उसको कुछ नहीं पता, हमेशा मुझे ही पनिशमेंट मिलती है। पर क्यों आदित्य? क्योंकि सब मम्मी पापा छोटे बेबीज को ही प्यार करते हैं। सफेद बाल है उनके, मतलब काफी एज है और थोड़े मोटे से। कहीं आप शिवदत्त जी के बारे में तो नहीं पूछ रहे? उनकी जो बोली थी वो बंगाली थी तो शायद। हाँ हाँ तब तो वही थे। हाँ तो फिर वो कहाँ मिलेंगे? लेकिन साहब वो तो गुजर गए एक महीने पहले ही। तो कोई ऐसा इंसान जो उनके साथ काम करता था जो शायद हमारी मदद कर सके, लाइक कोई उनका असिस्टेंट? इनका मतलब है कि उनका कोई परिवार भी तो होगा या वो किसके साथ रहते होंगे, तो उसका पता भी मिल जाए तो हम लोग पता कर लेंगे। नहीं साहब पंडित जी तो अकेले ही रहते थे। ओह जीसस, एक ही उम्मीद थी, वो भी गायब है, बैक टू स्क्वायर वन हो गए। अरे अब इतना डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर मंदिर में जो भी शादियाँ होती होंगी वो यहीं आसपास ही कहीं रजिस्टर होती होंगी, हम लोग जाके चेक करते हैं ना। हाँ बहन जी, पीछे एक ऑफिस है जहाँ प्रमाण पत्र मिलता है। अरे कहाँ पर? चल चल चल। दे 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 दे, भगवान के नाम पे दे 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 दे, नाम पे दे दे, अबे किसी के नाम पे तो दे दे। ओ यार ओ फड़ा है अपना बदबूदार कंबल, वो दम घुट गया मेरा, वो नया नहीं दे सकता था सेंट सुंट मार के यार। वो आशा, वो राम और प्रिया यहाँ मंदिर में आए। हाँ तो वो यहाँ क्या करने आए हैं मंदिर में? मंदिर में क्या करने जाते हैं मामा जी? बतेरे काम होते हैं, वो बंदा भीख भी मांग सकता है। मामा जी आपका दिमाग तो सही है ना, मंदिर में लोग पूजा करने ही जाते हैं। अब मुझे यहाँ बैठ के सब बताना पड़ेगा तो मैंने आपको उनके पीछे क्यों लगाया है? ओ यार तू मेरी ओ पहन जी, ओ एक रुपया में तो वड़ा पाव नहीं आता, ओ कम से कम 5 रुपए तो देने थे ना यार। तुम्हारे पास इस मोबाइल का चार्जर है क्या? ओए इतना महंगा फोन, शर्म नहीं आती तेरे को पीक मांगते हुए? मुझे शर्म नहीं आती, अबे तेरे पास तो मुझसे भी बड़ा फोन है, तुझे शर्म नहीं आती? तू तो जूते पहन के भी भीख मांग रहा है। ये फोन तो मैंने अपने भाई से बात करने के लिए रखा है, वो शिव मंदिर के आगे बैठता है ना, जहाँ भीड़ होती है हम एक दूसरे को फोन करके पहुँच जाते हैं बस। हाँ तूने तो कोर्स कर रखा है MBA का, मास्टर इन भिखारी एडमिनिस्ट्रेशन। चल चल ज्यादा पका मत अब, और चार्जर नहीं देना है ना तो मत दे, ये कंबल रख वरना कोई नए कंबल से कोई भीख नहीं देगा, रख ले इसे। ओ यार लगता है ऑफिस जाना पड़ेगा इन दोनों के पीछे। चल भाई छोड़ दे ये बदबूदार कंबल। एक मिनट, इतनी दूर आए हैं तो पहले दर्शन ही कर लेते हैं ना। हाँ जानता हूँ तुम्हें।
रिकॉर्ड्स को लेके बहुत टेंशन है। हाँ वो टेंशन तो है ही, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है मिस्टर, मतलब पैसा प्रॉपर्टी ये सब इतना मैटर नहीं करता। मुझे तो अपनी फैमिली को लेकर ज़्यादा टेंशन होती है, खास करके बच्चों को। पता है कभी कभी इस बच्चे की बहुत फिक्र होती है मुझे, बहुत घबराहट होती है इसको लेकर। देखा, तुम्हें भी घबराहट होती है, और जब मुझे घबराहट होती है तो तुम मजाक उड़ाती हो मेरा। अरे लेकिन आप इतनी स्ट्रेस लेते हैं कि मेरे हिस्से की स्ट्रेस भी आप ही ले लेते हैं, मुझे तो स्ट्रेस करने का मौका ही नहीं देते आप। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड हूँ, अपनी बीवी की सारी स्ट्रेस खुद ले लेता हूँ मैं, मेरे से ज्यादा अच्छा हस्बैंड मिलेगा नहीं तुम्हें। चाहिए भी नहीं, मेरे लिए आप एक ही काफी हैं। आप प्रसाद। लेकिन आपको फरवरी 2013 की बही खातों में क्यों दिलचस्पी है? पंडित जी हमें बस रिकॉर्ड्स देखने जरूरी काम है। वही तो, लेकिन कारण तो बताइए। देखिए दरअसल बात यह है कि ये सब सरकारी बही खाते हैं, इस तरह से सबको नहीं दिखाया जा सकते। कार्य वो बात यह है कि हमारी शादी ना इसी मंदिर में हुई थी, लेकिन शादी वाले दिन और रात हम लोग इतने व्यस्त थे कि हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट, वो शादी का प्रमाण पत्र वो ले ही नहीं पाए, तो वो चाहिए था दरअसल हमें। लेकिन शक्ल से तो आप परिचित नहीं दिख रहे हैं। एक काम कीजिए, आपने विवाह की तिथि तो बताइए। 14 फरवरी। क्या आप दोनों का विवाह अलग अलग तिथि पे हुई है? नहीं अरे नहीं, 14 फरवरी डेट है यार, मुझे अच्छी तरह से याद है प्रिया। अरे नहीं मिस्टर कपूर, 16 था, 16 फरवरी, इन्हें ना भूलने की बीमारी है, 16 फरवरी था। आश्चर्य की बात, आप लोगों को अपने विवाह की तिथि नहीं मालूम है? नहीं नहीं वो बात नहीं है, वो मैंने आपको बताया ना, इन्हें भूलने की बीमारी है, तो आप और मैं कुछ भी कहें ये मानेंगे है नहीं। तो आप एक काम कीजिए ना, आप पूरे महीने का ही रिकॉर्ड दिखा दीजिए, जब तक ये अपनी आंखों से नहीं देखेंगे इन्हें विश्वास नहीं होगा, है ना? हाँ। देखिए बहन जी ये उचित नहीं। देखिए महोदय, महोदय जी क्या है ना, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। हाँ। मतलब कि हमारा बच्चा पैदा होने वाला है, अब वहाँ पर हॉस्पिटल में वो मैरिज सर्टिफिकेट तो दिखाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो उसके बगैर तो ये बच्चा वो। ठीक है ठीक है, आप लोग बैठिए मैं लाता हूँ। थैंक यू। ऐसे क्या कहते हैं लावारिस की अनाथ? ओ वो चुप रहिए ना प्लीज। सॉरी। ये रहा फरवरी 2013 की फाइल, आप चेक कर लीजिए। ये रहा सिद्धांत राजा, मिल गया। मिल गया? अरे आप तो बहन जी को प्रिया नाम से पुकार रहे हैं। जी एक्चुअली प्रिया मेरा घर का नाम है, वैसे मेरा नाम आयशा है और इनका सिद्धांत। महोदय जी आप सर्टिफिकेट तैयार करिए ना, हम ले जाएंगे। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एड्रेस दिख लिया ना? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।